ओम सुन पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। यम हस्त मुद्रा। मृत्यु के देवता यम देव के स्वरूप को दिखाती यम देव हस्त मुद्रा कहलाती है। आइए देखते हैं कथक नृत्य में इस मुद्रा को प्रदर्शित करने के लिए किन मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, किंतु किसे कब किस स्थान पर मरना है इसका निर्धारण मृत्यु के देवता यमराज करते हैं। यमराज ही वो देव हैं जिन्हें प्राण लेने का अधिकार है। यमराज को इसलिए मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। प्राचीन वेदों ने यम को हिंदू धर्म में मृत्यु के स्वामी के रूप में घोषित किया है। यम कालीची नामक महल में रहते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार यम पहले इंसान थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और वे मृत्यु के शासक बन गए। यम के स्वरूप को कथक नृत्य में कई अन्य प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। यमराज का स्वरूप बड़ा ही भयावह दिखाई पड़ता है। दंड के द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। उन्हें लाल वस्त्रों से सज्जित हरे वर्ण और रक्ताभ आँखों वाले राक्षसी स्वरूप में वर्णित किया गया है। वह खोपड़ी से अलंकृत गदा और एक पाश धारण करते हैं। इनके सिर पर सिंह के मुख वाला मुकुट, विशाल शरीर, लंबी मूंछें हैं। इनका वाहन काला भेसा है। कौवे और कबूतर यमराज के संदेश वाहक हैं। यमराज मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा अपने साथी चित्रगुप्त द्वारा तय कर निर्धारित करते हैं। हिंदुओं का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सबसे पहले यमलोक जाता है और वहाँ यमराज के सामने उपस्थित होता है। भगवान सूर्य देव के पुत्र माने जाने वाले यमराज की पूजा नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के दिन विशेष रूप से की जाती है। यमराज के देवता एक अलग लोक में विराजमान रहते हैं जिसे यमलोक कहा जाता है। इनके हाथों में फंदा और गदा रहती है। काल, यमराज, पितरस, कालानी आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। सभी मनुष्य इनसे भयभीत रहते हैं क्योंकि यह मनुष्यों के प्राणों को हर लेते हैं। अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं ऐसा हमने सुना है और इसलिए भय से ही सही लेकिन सभी यम देवता से भयभीत जरूर रहते हैं, परंतु भय में रखकर अपने आनंद में जीने का और कुछ नया सीखते रहने का बोध मनुष्य को है, इसलिए वह निरंतर कुछ नया अध्ययन करता रहता है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि भय को छोड़कर आप कुछ नया सीखें। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कथक के बारे में और भी करीब से। धन्यवाद।